The Educators, a project of Beacon House. चलना है अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। अकल पे इख्तियार है वक्त हाथ में कामयाबी है साथ में मैं जीता हर मैदान हुई मंजिले आसा मैं पढ़ूंगा मुझे बढ़ना है आगे एजुकेटर्स न्यू कराची कैंपस की स्कूल हेड मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल का रिजल्ट डे और बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरे साल की मेहनत के बाद ये दिन आता है और बच्चे सेलिब्रेट करते हैं और आप लोग ने माशाल्लाह से इतना अच्छा इंतजाम किया है, क्या कहेंगी सवाल? जी मैं सब पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि रिजल्ट का सब इंतजार करते हैं लेकिन सिर्फ बच्चों को नंबरों से ना तोले। एवरी चाइल्ड इज़ गिफ्टेड एंड टैलेंटेड सो वी शुड लुक एट देयर इनेट टैलेंट्स कि हर बच्चे में क्या टैलेंट है। हर बच्चे को अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। इस डिफरेंट फेजेज इन लाइफ होते हैं, बच्चे की मोटिवेशन कभी भी चेंज हो सकती है तो वी नेवर नो कि जो अभी अचीव नहीं कर पा रहा वो आगे जाके लाइफ में क्या कुछ अचीव कर जाए। और जो ऑन पेपर्स बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं मे बी इन रियल लाइफ दे आर नॉट रेडी टू फेस द रियल वर्ल्ड तो वी शुड इनकरेज ईच एंड एवरी चिल्ड्रन एंड वी शुड लुक अप। जब रिपोर्ट कार्ड देखें तो वो मार्क्स ना देखें जो सबसे कम जिस सब्जेक्ट में हासिल किए बल्कि वो मार्क्स देखें जो सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट्स में लिए हैं सो दैट आपको पता चले कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो बच्चों को ज़रूर अप्रिशिएट करें। हर बच्चा बेस्ट मैथमेटिशियन बेस्ट स्पीकर नहीं हो सकता है, किसी ना किसी चीज़ में वो ज़रूर बेस्ट होगा तो प्लीज़ उसको फाइंड करें और अपने बच्चों को अप्रिशिएट ज़रूर करें। अमेज्ड टू नो दैट वी हैव यू नो पॉडकास्टिंग एंड वी हैव नाउ ऑनलाइन चैनल्स सो आई विश ऑल द बेस्ट टू योर चैनल एंड वी विल बी इंशाल्लाह व्यूअर्स रेगुलर व्यूअर्स ऑफ योर चैनल एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द टीम ऑफ बका न्यूज़ फॉर यू नो कवरिंग आवर शो एंड फॉर सक्सेसफुली रनिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच। इनके टॉप 5 में आया 91%। कैसा महसूस हो रहा है? फखर महसूस होता है? बहुत अच्छा। मेरी बेटी परफॉर्मेंस भी कर रही है उसने इसके अंदर कि किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं क्या है और रिजल्ट अच्छा आना चाहिए बेस्ट बच्चों का। नाजी इस वक्त हमारे साथ दी एजुकेटर्स स्कूल जो कि न्यू कराची कैंपस है इस वक्त हमारे साथ उनकी टीचर्स मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने ये सारा इवेंट खुद ऑर्गेनाइज किया टीचर्स वगैरह ने तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है और टीचर्स की भी बहुत मेहनत होती है। ये बताइए कि लास्ट में जब ये रिजल्ट डे होता है उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है या पूरे साल की ज़्यादा मेहनत होती है? समझ लीजिए पूरे साल की मेहनत आज ही हो जाती है। विश यू वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग चैनल, इंशाल्लाह बहुत अच्छा चले। कीप वॉचिंग बका न्यूज़। या दिस इवेंट इज़ अ वेरी एक्साइटेड इवेंट, हम इसके लिए बहुत सारी तैयारी की थी बैकग्राउंड पे और फ्रंट पर भी। होपफुल के सबको पसंद आया होगा जिसने देखा होगा। और जो बच्चों का आज रिजल्ट आया है मतलब माशाल्लाह अच्छे खासी बच्चों ने पोजीशंस ली हैं तो क्या लगता है मेहनत वसूल हो गई? बेशक बिल्कुल मेहनत वसूल हो गई, माशाल्लाह से बच्चों ने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। बका न्यूज़ ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग योर सेक्शन योर शोज एंड एवरीथिंग। आज वैसे तो प्रोग्राम होता ही है इन लोगों का इतना अच्छा लेकिन आज और भी ज़्यादा अच्छा था, क्राउड था अच्छा खासा। प्रोग्राम तो नॉर्मली इन लोगों का अच्छा होता है, स्टडी बहुत अच्छी है इन लोगों की और हम लोगों ने अभी फाइनली अपने बेबी का दूसरे बेबी का एडमिशन करवा दिया है जिनका नाम आजिम है। आप इनसे पोयम सुन सकती हैं? आजिम पोयम सुनाइए। आजिम पोयम। पहले तो रहता हवा बंदा वोचो और अब बफ्ता वोचो आई लाइक ऑन टाइम बट इन द स्काई
होनी चाहिए, जैसे ये लोग स्पोर्ट डे भी अरेंज करते हैं, उसके अलावा एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं इन लोगों की। कलर्स डे होता है, स्पोर्ट डे, मतलब जितना बच्चा एक्टिव रहेगा उतना उसके लिए अच्छा है, स्टडी के लिए अच्छा है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है तो स्कूल के साथ साथ इस तरह के फंक्शंस अरेंज होने चाहिए, और स्कूल वही ज़्यादा फेमस रहता है जो अदर एक्टिविटीज़ में रहता है। कीप वॉचिंग बका न्यूज़, थैंक यू। The Educators, a project of Beacon House. चलना है अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। फिल्म की राह पर हमको यूं चलना है, मैं पढ़ूंगा मुझे पढ़ना लिखना है, मैं पढ़ूंगा मुझे आगे। मुझे मिला है प्यार, अकल पे इख्तियार है, वक्त हाथ में, कामयाबी है साथ में। मैं जीता हर मैदान, हुई मंजिलें आसान, मैं